हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। और मैं हूं आपका फेवरेट यूट्यूबर। गाइस, आज सुबह को ही M13 रॉयल पास ओपन हो चुका है और यहां पे वीक 2 के अंदर एक मिशन मिल जाएगा। उसी मिशन के बारे में आप लोगों के साथ आज बात करने वाला हूं। तो मिशन है वहां पे रीच द एम्परर टेंपल इन 5 मैचेस इन एंशिएंट सीक्रेट एडी। इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए आप लोगों को 5 बार एम्परर टेंपल पे जाना पड़ेगा और उसके बाद आपको मिल जाएगा सम रिवॉर्ड पॉइंट्स। मैच शुरू करने से पहले आप लोगों को क्या करना होगा, इरंगेल पे आप लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा और वहां पे जो थीम मोड है उसी थीम मोड को आपको लगाना है जो है एंशिएंट सीक्रेट एडीज। उसका ध्यान रखना, इरंगेल पे रैंक्ड थीम मोड आपको सिलेक्ट करना है। आप लोग ये सोलो, डुओ या तो स्क्वाड में कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे सोलो वर्सेस स्क्वाड में कर रहा हूँ। तो मैच शुरू होने से पहले देख लो यहाँ पे जायंट स्टैचू को। इसी जायंट स्टैचू का बहुत सारा काम है जो आगे वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले बोलूँगा कि इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। कास्टिंग के साथ साथ मैं ऐसा वीडियो लाता रहूँगा और जिसका कमेंट अच्छा लगेगा नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको ज़रूर शाउट आउट दे दूँगा। मैच शुरू होते ही गाइस आपको ध्यान रखना पड़ेगा मैप के ऊपर। ओके, इरंगेल का जो मैप है उसके ऊपर आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। मैप में आप लोग दो पाथ देख सकते हो गाइज। वन जो है क्वेरी के साइड से ये पाथ जा रहा है शूटिंग रेंज तक। सेकेंड पाथ आप लोग देख सकते हो जो है सेवरनी से जा रहा है नोवो तक। ऐसा ही टाइप का पाथ आपको अपने मैप में देखने को मिल जाएगा। अब जो है गाइज उसी पाथ में आप लोग देख सकते हो ब्राइट डॉट डॉट करके कुछ स्पॉट है, तो उसी डॉट पे आप लोगों को जाना पड़ेगा। ओके, उसी पाथ का स्टार्टिंग में आप लोग देख सकते हो एक टाइमर लगा हुआ है। ये टाइमर जब एंड हो जाएगा तब ही वहाँ पे जायंट स्टैचू एक्टिवेट हो जाएगा और जायंट स्टैचू जो है वो एम्परर टेंपल को अपने कंधों में उठा के इसी पाथ को फॉलो करके एंड तक जाएगा। और चलो पहला जो डॉट है उसी पे चलते हैं क्योंकि वहीं पे जायंट स्टैचू जो है जल्दी आएगा। और उस स्पॉट में आके भाई आप लोग थोड़ा लूटलाट भी कर लेना, बिकॉज यहाँ पे बंदे तो आते हैं, उसके साथ फाइट वाइट भी करना पड़ेगा। जैसा मैंने कहा था गाइस, यहाँ पे आके आपको पहले लूटना तो पड़ेगा ही, बिकॉज देखो बोलते बोलते यहाँ पे ऑलरेडी बंदा आ भी चुका है, उसके साथ फाइट भी लेना पड़ रहा है। अभी गाइज आपको फोकस मारना पड़ेगा मैप में, बिकॉज मैप में ही वो टाइमर एंड जब होगा तब एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो अभी 20 सेकेंड बचा है। अभी आप लोग देख सकते हो कि मैप में टाइमर ख़त्म हो चुका है और उसी के साथ आप लोग देख सकते हो कि जायंट स्टैचू एम्परर टेम्पल लेके ऑलरेडी एक्टिव हो चुका है। अब आप लोग देख सकते हो कि उसी पाथ को फॉलो करके जायंट स्टैचू अपने कंधे में उठा के वो एम्परर टेम्पल लेके जा रहा है। वो जो मैंने डॉट दिखाया था उसी पाथ में ये डॉट में ये स्पॉट आपको मिल जाएगा। इस स्पॉट में आपको आके रुकना है और यहीं पे आके ये जायंट स्टैचू भी रुकेगा और आपको ऊपर ले जाएगा, यानी कि आपको ले जाएगा एम्परर टेम्पल के अंदर। तो उसी एम्परर टेम्पल के अंदर आपको 5 बार जाना है। जैसे यहाँ पे मैं पहली बार जा रहा हूँ तो एक मैच में आप लोग क्या कर सकते हो, 2 बार यहाँ पे जा सकते हो, यानी कि एम्परर टेम्पल के अंदर 2 बार जा सकते हो। कैसे जा सकते हो, पहली बार अगर यहाँ पे आके आप मर गए फिर आपको अगर आपका टीममेट्स रिकॉल करे तो आप लोग सेकेंड टाइम भी ये जो है एम्परर टेम्पल पे आप लोग आ सकते हो। गाइज यहाँ पे मैं पहली बार आया और आप लोग यहाँ पे मैप में देख सकते हो रीच द एम्परर टेम्पल का मिशन एक बार कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग 3 मैचेस खेल के यहाँ पे 5 बार आ सकते हो और ऐसे ही आपका मिशन जो है कंप्लीट कर सकते हो। गाइज वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव रहा तो गाइज प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना इस चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जिसका कमेंट अच्छा लगा उसको मेरी तरफ से बड़ा सा शाउट आउट नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देंगे भाई।